तो देखिए व्यूवर्स, ये मेरा पैट्रन रेडी हो चुका है। ये देखिए, यहाँ पे अब आपकी थोड़ी समझने की बात है। ये देखिए 1 2 3 रोज में मैंने, ये देखिए 1 2 3 डबल ट्रिपल क्रोशिया किया था जस्ट 3 रोज में। फोर्थ रो में मैंने चेंजिंग की है, ये देखिए 1 2 3 और ये 4 मैंने यहाँ पे डबल क्रोशिया करने के बाद सेम वही पैटर्न रिपीट किया था। ऊपर 3 लाइन ट्रिपल क्रोशिया की है और नीचे फोर्थ की, तो फोर्थ की 1 2 1 2 3 4 लाइन मेरी 4 डबल क्रोशिया की बनी है। तो अब मैं आपको बताती हूँ आगे मजीद मैंने इसके साथ क्या किया। और ये फिफ्थ लाइन, ठीक है, ये देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको इजी समझ आएगा। ये देखिए 1 2 3 4, फिर 2 चेन्स ली, फिर ये 1 2 3 और ये 4। जस्ट ऊपर मैंने 3 के साथ पैटर्न डाला था और नीचे मैंने 4 के साथ पैटर्न डाला है, तो ये मैंने अपनी लेंथ को कंप्लीट किया है। लेंथ कितनी है वो मैं भी आपको बताती हूँ, लेकिन अब आगे देखिए मैंने पैटर्न कैसे डालना है। वर्क को कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद मैंने टर्न किया, जस्ट 2 चेन्स ली, 2 चेन्स लेके इस होल में गई और यहाँ पे जाके मैंने सेम इसी ट्रिपल क्रोशिए के पैटर्न को 10 टाइम दफा करना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 टाइम मैंने ये ट्रिपल क्रोशिया को कंप्लीट किया। अब देखिए 2 चेन लेकर मैंने इस होल में डालकर यहाँ पर स्लिप स्टिच ली ऐसे, ये देखिए, इसका मैंने यहाँ पर इस होल में अटैचमेंट करना है। ये देखिए यहाँ पर ऐसे इसको अटैच किया मैंने 1 फिर और 2 चेन ली, 2 चेन लेकर फिर नेक्स्ट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 10 डिजाइन डालने के बाद मैंने यहाँ पे 1 2 चेन ली, 2 चेन लेके ये देखिए यहाँ पर इस होल में मैंने इसका अटैचमेंट किया सिंगल क्रोशिया के साथ, फिर यहीं से मैंने 2 चेन ली और नेक्स्ट यहाँ पे डाल के मैंने ये देखिए 1 2 1 2 चेन्स, 10 डिजाइन डालने के बाद मैंने 2 चेन्स ली, यहाँ पे मैंने इसका अटैचमेंट किया सिंगल क्रोशिए के साथ, फिर मैंने 2 चेन्स लेके नेक्स्ट में जाकर यहाँ पर इस होल में मैंने फिर 10 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये मेरे फ्रॉक के नीचे डिजाइनिंग है, तो इस रो को कंप्लीट करना है जस्ट इसी तरीके से। तो मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने ये अपना पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए 3 से 6 मंथ की बेबी का बनाया है। 8 इंच की मैंने यहाँ पर चेस्ट ली है, ये देखिए 8 इंचेस की चेस्ट ली है और इसकी लेंथ मैंने
14 इंचेस रखी है। नेक्स्ट अब ये देखिए, अब हम इसका पीछे से बटन टेक पट्टी का वर्क करेंगे। ये देखिए, तो देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पर अपना यौन का अटैच किया। ये देखिए यहाँ पे मैं ब्राउन कलर का यूज़ कर रही हूँ। अब ये देखिए, यहाँ से मैंने यहाँ पर आना है ऐसे। अब मैंने यहाँ पे 3 times सिंगल क्रोशिया करना है। ये देखिए 3 times डबल क्रोशिया करने के बाद नेक्स्ट इस वाली स्टिच में भी मैंने 1 time डबल क्रोशिया किया, सॉरी सिंगल क्रोशिया किया। अब नेक्स्ट यहाँ पे भी मैंने 3 times ही डबल क्रोशिया करना है। तो ये देखिए व्यूअर्स, 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया मैंने यहाँ किया और इस स्टिच में मैंने 1 time सिंगल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट आगे जाके इस होल में फिर मैंने 3 times डबल क्रोशिया करना है। तो इसी तरह यहाँ पर 1, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 3, आगे जाके बताती हूँ। तो ये देखिए व्यूअर्स, कॉर्नर पर आके यहाँ पर मैंने यहाँ पे जस्ट 1, 2, 3 चेन्स ली। 3 chain लेके मैंने उसको यहाँ पे अटैच करना है यहाँ पर। ये देखिए 3 chain ये मैंने बटन के लिए ली है। अब सेम होल में मैंने 1 time मज़ीद सिंगल क्रोशिया करना है। फिर इसी में मैंने 1 time मज़ीद सिंगल क्रोशिया करते हुए मैंने अब हर यहाँ पर, ये देखिए हर स्टिच में 1 time सिंगल क्रोशिया ही करना है। ये देखिए, इससे यह होगा कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत किंगरी नुमा हमारा बन जाएगा। इसमें डिफ़िकल्टी कोई नहीं है। ये देखिए जस्ट हमने हर स्टिच पे हमने जस्ट सिंगल क्रोशिया करना है। तो मैं इसको कंप्लीट करके रो को आपको अगेन ज्वाइन करती हूँ। ये देखिए, तो देखिए व्यूअर्स, मैंने कंप्लीट कर लिया है। यहाँ से गले को कंप्लीट करते हुए मैं यहाँ तक आई। अब नेक्स्ट ये देखिए, यहाँ पर आके आपने कैसे ज्वाइन करना है। ये देखिए यहाँ पर आके हमने इस रो में यहाँ से यौन को पास करते हुए ऐसे इस तरह हमने इसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ से मैंने यौन को अपने कट करना है और यहाँ पे मैंने एक बटन लगाना है। आप चाहे तो ब्राउन लगा ले, पिंक लगा ले। ये देखिए, तो देखिए व्यूअर्स, मैंने ये अपना फ्रॉक पैटर्न कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का बटन लगाया है। आप चाहें तो अपनी पसंद से कुछ भी लगा सकते हैं, बटन किसी भी कलर का हो सकता है। ये देखिए, ये इसका ब्राउन बॉर्डर है। ये देखिए, ये इसका ब्राउन बॉर्डर है। और ये देखिए ऊपर इसका गला कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ब्राउन और येलो पिंक की टचेस के साथ। अब जिन लोगों को ये मेरी फ्रॉक का पैटर्न पसंद आया है, समझ आई है मेरी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, प्यारा कमेंट पास कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट पैटर्न में किसी अच्छे से पैटर्न के साथ, अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।